साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के घोड़ों की देखभाल करने वाला नौजवान अपनी तनख्वाहों के लिए दर बदर की ठोकरें खाने लगा। इसी हवाले से नौजवान अरशद महमूद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उन्हीं से मालूम करते हैं आखिरकार उन्हें तनख्वाहें क्यों नहीं दी जा रही। जी अरशद, बताइएगा। NPN न्यूज़ का बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, मैं बिलावल हाउस टंडोला यार में हॉर्स राइडर था आसिफ अली जरदारी साहब के घोड़ों पर। तो मेरा मसला ये है कि अगस्त 2019 को मेरी सैलरी स्टार्ट हुई और मार्च 2020 को तीन सैलरी मुझे मिली, पांच सैलरी मेरी स्टॉप हो गई पीछे, और फिर मेरा ट्रांसफ़र लाहौर कर दिया गया। 3/9/2020 को मेरा ट्रांसफ़र लाहौर किया गया, यानी पांच सैलरी वो पीछे आज देते हैं कल देते हैं, पीछे जो है ना वो गुजर गई। तो जब 9वें महीने में मेरा ट्रांसफ़र लाहौर कर दिया गया तो इधर मैं 4 महीने बैठ रहा, इधर मुझे सैलरी नहीं मिली, यानी 4 सैलरी ये हो गई और 5 सैलरी वो हो गई। तो मैंने रईस गुलाम कादर मरी से फिर रब्ता किया कि मुझे सैलरी नहीं मिल रही, तो उन्होंने मुझे बोला कि मिल जाएगी, फिर बोला कि आपको हमने दे दिए हैं। फिर मैंने हर बंदे से कमर जमान कायरा साहब से रब्ता किया लेकिन मेरा हाल नहीं हुआ। तो मेरे बराए मेहरबानी करके आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा मसला हल किया जाए और मेरी तनख्वाहें जो है ना मुझे दी जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। जी अरशद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने NPN न्यूज़ को अपने मौकफ से आगाह किया।